हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोजीन बायोलॉजी क्लासेस बाय भजन मैम। और हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज उसी कॉन्टिन्यूशन में हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। नाउ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलिनेशन हुई, पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब हाउ पोलन इज गोइंग टू इंश्योर कि ये मेरा ही फ्लावर है, किसी और का नहीं। अब सपोज हवा चल रही है तो पोलन ग्रेन्स तो पाइंस के भी उड़ रहे हैं, रोज़ के भी उड़ रहे हैं, बहुत सारे उड़ रहे हैं, हर प्लांट के ऊपर दे आर फॉलिंग रेंडमली। तो कैसे इंश्योरिटी होती है कि ये मेरा ही स्पीशीज़ है? सो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन डिसाइड्स द स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। कैसे? ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डेपोजिशन ऑन स्टिग्मा टिल पोलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल्स आर टुगेदर कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन ग्रेन के पिस्टिल तक पहुंचने तक से लेकर टिल फर्टिलाइजेशन से पहले तक, मतलब जितने भी इवेंट्स हैं कि एंट्री करवानी है उसकी, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज द पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। बिकॉज पोलन ट्यूब की एंट्री ही नहीं होएगी स्टिग्मा के अंदर जब तक कि ये इंट्रैक्शन आपके इंश्योर नहीं होगी। सो ऑल द इवेंट्स ऑफ पोलन डेपोजिशन ऑन स्टिग्मा टिल पोलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल आर टुगेदर कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट पोलन। मतलब कि पॉलिनेशन तो हुई बट राइट पोलन आया ही नहीं आया, ये पॉलिनेशन गारंटी नहीं करती। तो गारंटी कौन कर रहा है? एक डायलॉग है। किसके बीच में वो डायलॉग हो रहा है? वो डायलॉग हो रहा है पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कि मेड फॉर ईच अदर हैं भी है या नहीं है। सो कंपैटिबल पोलन है कि नहीं है। रॉन्ग पोलन, नो जर्मिनेशन। कंपैटिबल पोलन, जर्मिनेशन विल आकर। नाउ द एबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। मैंने ऑलरेडी स्टार पॉइंट किया हुआ है। स्टार पॉइंट मीन्स ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि भाई देयर इज अ डायलॉग है कि मेरा है या नहीं है। रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो ये एक कंटिन्यूस डायलॉग है किसके बीच में? पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में। द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंट्रैक्टेड विद पिस्टिल। अगेन दिस डायलॉग, केमिकल कंपोनेंट किसके देख रहे हैं हम? केमिकल कंपोनेंट्स देख रहे हैं पोलन के ऊपर और वो इंट्रैक्ट कर रहे हैं पिस्टिल के साथ। द कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टिल इज डिटरमिन्ड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। दिस इज द पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इज द डायनेमिक प्रोसेस। सो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन is determined by special proteins. Incompatible pollination. Pollen grains germinate on the stigma to produce pollen tubes through one of the germ pore. Now what is germ pore? You remember? हमने क्या discuss किया था कि हमारे पास this is the plasma membrane. ये बीच में आपके पास जो है one is your vegetative nucleus, other is your generative cell. ये आपका वेजिटेटिव सेल है और इसके ऊपर हमारे पास एक लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटाइन। और इंटाइन के ऊपर एक और लेयर है जो बड़ी वेरीगेटेड पैटर्न्स के साथ है, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइन, विद द हार्डेस्ट मटीरियल जो आई शुड से रेजिस्टेंट मटीरियल दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन। कहीं कहीं पे ये एक्साइन पतली है, जहाँ ये पतली है समझ लो यहाँ दो जगह बनाया है। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड जर्म पोर्स। यहाँ से आपका जो है साइटोप्लाज्म बाहर आएगा, आई मीन आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इंटाइन और सेल मेम्ब्रेन यहाँ से बाहर आएगी, पंचर हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर आपके जो न्यूक्लियस है फ्लो कर जाएंगे। सो दैट इज़ बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कहाँ से होएगी? जर्म पोर से होएगी, मतलब वहाँ पे साइटोप्लाज्म आपका बाहर फ्लो करेगा अलॉन्ग विद द कवरिंग along the covering with the plasma membrane. So incompatible pollination, pollen grain germinate on stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. Depend करता है एक germ pore है या multiples है. The knowledge of pollen crystal interaction help plant breeders in manipulation of compatibility to get desired hybrid plant. अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है आपको कि ये इंट्रैक्शन अगर आपको पता होगी तभी आप जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं या ब्रीडर्स जो है कस्टमाइज पॉलिनेशन करवाते हैं तो उनको ये पता होगा. ओके, अगर तो आपके पास एक जर्म पोर है और एक आपकी पोलन ट्यूब बन रही है, दिस इज कॉल्ड मोनोसाइफोनस. और अगर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स बनती हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीसाइफोनस. बट अगेन दिस पार्ट इज ऑप्शनल, सो ओनली यू नीड टू नो कि जर्म पोर है और जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आ रही है. एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो ये मेरे पास एक क्विक रिकैप है, ऑल्दो ये आपको सारा पहले हमने करवाया हुआ है, बट फिर भी जैसे जैसे हम अगले लेक्चर्स में चलते जाते हैं तो कई बार पिछली चीज़ें भूल जाती हैं. तो आई हैव गिवन सम रिकैप्स इन बिटवीन माई लेक्चर्स, ऑल्दो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप इसमें एक अपना लेक्चर और भी वेस्ट करते हैं या मेरे हिसाब से देते हैं, बट बच्चों के हिसाब से हो सकता है कि पिछला चीज़ों को ये रिकनेक्ट करने में आपको हेल्प करे. सो एक बार फटाफट बात करते हैं दोबारा से. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स याद करिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह की इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में गेमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन. गेमेटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. पॉलिनेशन सेल्फ हो सकती है, क्रॉस हो सकती है. सेल्फ में ऑटो, जिटोनो, होमो, क्लिस्टो, बर्ड पॉलिनेशन, ऑल आर ऑटोगैमी. जिटोनोगैमी अपने ही फ्लावर का जो है पोलन अपने ही सेम प्लांट पे बट डिफरेंट फ्लावर के ऊपर उसको पॉलिनेट करें. सो ये आपका हो गया जिटोनोगैमी. फ्लावर से पोलन किसी दूसरे फ्लावर पे गया बट ये दूसरा फ्लावर किसी दूसरे प्लांट का है, बट प्लांट ऑफ कोर्स दोनों सेम स्पीशीज है. ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन जीनोगैमी और एलोगैमी का केस है. नाउ गैमेटोजेनेसिस पहला इवेंट, पॉलिनेशन दूसरा इवेंट, तीसरा इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. एनसीईआरटी में इनब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं दिया हुआ, बट हाँ उसमें आपके पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में जैसे बर्ड पॉलिनेशन वगैरह बताई हुई है कि हाँ पॉलिनेशन हो जाती है क्लोज फ्लावर में ही. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू इंश्योर आउटब्रीडिंग फ्लावर्स, यानी कि ये इंश्योर कर रहा है कि भी फ्लावर्स आउटब्रीड ही करें, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो. सो इस केस में क्या क्या डिवाइसेस हैं जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो ये इंश्योर कर रही हैं कि क्रॉस हो. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो या आप जाके रिकैप कर सकते हैं तो हमारे पास या तो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, यूनिसेक्शुअल फ्लावर, बायसेक्शुअल प्लांट. बट यूनिसेक्शुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्शुअल प्लांट पपाया का केस है, कुकम्बर का केस है, ठीक है. फिर बाइसेक्शुअल फ्लावर्स हो सकते हैं बट ऑफ कोर्स उनमें आपस में इनकम्पैटिबिलिटी हो पोलन पिस्टल की, या डाइकोगैमी हो यानी डिफरेंट टाइम्स फॉर मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टेमन्स, यानी कि या प्रोटेंड्री मतलब पहले स्टेमन्स मैच्योर हुए अभी जो है पिस्टल नहीं हुआ, या प्रोटोगाइनी स्टिग्मा जो है वो पहले मैच्योर हो गया. देन See how we are ensuring outbreeding devices. यहाँ पे नंबर वन यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, नंबर टू बाइसेक्सुअलिटी हो सकती है. अगर बाइसेक्सुअलिटी है तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, डाइकोगैमी हो सकती है, कैस्मोगैमी हो सकती है, फ्लावर ओपन है. ऑफ कोर्स फ्लावर ओपन है तो चांसेस क्रॉस के ज़्यादा हैं अगर आपस में और भी कई डिवाइसेस साथ में इंक्लूडेड होनी चाहिए, खाली फ्लावर ओपन नहीं. हर्कोगैमी यानी मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा एंड हेट्रोसिली, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट्स. बट व्हाट आई विल टेल यू, आपको हो सकता है ये चीज़ें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये टर्म्स आपको मिलें, बट एनसीईआरटी नहीं बता रही. एनसीईआरटी सिंपल बताती है कि इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. इनकम्पेटिबिलिटी थोड़ा से लर्न करना है तो लर्न कर लीजिए कि भी दोनों जो स्टेमन्स या जो स्टाइल हैं या स्टिग्मा है उनमें आपस में जो है इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है, या उनके जो मैच्योरेशन के टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग हैं, या स्टिग्मा के ऊपर कोई ऐसा मैकेनिकल बैरियर है ताकि पोलन उसको जो है वो डायरेक्टली पॉलिनेट ना कर सके, या हेट्रोस्टिलिया कि उनकी लेंथ ही जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं या फ्लावर्स ही अलग अलग हैं, प्लांट भी जो यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर भी उसके ऊपर ऑफ कोर्स यूनिसेक्सुअल ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। नाउ इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस यू कैन गो, नहीं करना तो मत कीजिए, बट बस इतना ही पता होना चाहिए कि इनब्रीडिंग का मतलब दिस पार्ट इज़ ऑल ऑप्शनल फॉर यू। सो दैट इज़ इंश्योर इनब्रीडिंग। कैसे? फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन क्लिस्टोगैमस होनी चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा था फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस ही होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर लेकिन क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड है, बर्ड पॉलिनेशन हो सकती है। अगर सिंक्रोनी हो सकती है कि जिस टाइम पे पोलन मैच्योरेशन उसी टाइम पे स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी हो और दोनों एक साथ इस तरह से हो कि वो या तो हमने पीछे भी डिवाइसेस पढ़ी हैं, पोलन उसके ऊपर झुक जाए या स्टिग्मा उसके ऊपर झुक गया या बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो सकती है स्टेमन्स एंड पिस्टल की ताकि उनकी सिंक्रोनाइजेशन हो सके। देन दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो हम इन ब्रीडिंग को इंश्योर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने किए थे जिसका मैंने रीकैप के अंदर डिस्कस किया, गेमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन और तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग इज नॉट इन एनसीईआरटी बट ऑफ कोर्स इट इज इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नाउ दीज थ्री आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट वी कम टू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ इसको हम शुरू कर लेते हैं बट इसकी डिटेल जो है हम आगे बात करेंगे। So seed plants में fertilization is called siphonogamy and it occurs with the help of pollen tube. Now the pollen tube passes through style along the canal and transmitting tissue chemotropically along with the along calcium and boron inositol complex. Again जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि भी compatibility है और वो enter कर गई। आपके पास ये stigma है, यहाँ पे आपका पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है। अगर पोलन ट्यूब हॉलो है तो ये जाएगी, अगर मान लो यहाँ पे ये सॉलिड टिश्यू है तो उसको फैगोसाइटोस करती हुई जाएगी। बट ये जो पोलन ट्यूब का एक्सटेंशन है ये कीमोट्रॉपिकली केमिकल्स की हेल्प से होता है और इसके अंदर कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स जो है वो हेल्प करता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा एंड ग्रोथ ऑफ द पोलन। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी हो गई। Following compatibility, pollination, germination of pollen on the stigma, emergence of pollen tubes from the germ pore, growth of pollen tube through tissue of stigma and then style to reach the ovary. Now on the way, absorption of nutrients by pollen grain, swelling of pollen, emergence of pollen tube from the germ pore, sugar and water secretions from the stigma, initial nutrition to generative cell by cytoplasm of tube cell, then from the stigma secretion and later from transitory tissue in the style. क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया स्टाइल हॉलो या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्यू मिलीमीटर 45 सेंटीमीटर एज एग्जाम्पल इन मेज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ स्टाइल। पोलन ट्यूब सिक्रीट साइटोकाइनिंस एंड ऑक्सन्स टू स्टिमुलेट ओवरी। अब ये थे जी हमारे पास व्हाट आर द इवेंट्स पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुई, देन व्हाट आर द इवेंट्स जिससे कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ और वो ओवरी तक जाएगी। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे पोलन ग्रेन आपका फॉल किया और अगर वो कंपैटिबिलिटी इंश्योर करता है तो पोलन ट्यूब बनती है। नाउ दिस पोलन ट्यूब आई एम मेकिंग लाइक दिस, इट एंटर्स ईटिंग द टिश्यू। अगर ये सॉलिड है, नहीं तो हॉलो है, तो ये सिंपल एक्सटेंड करेगी और इस तरह से जब ये एक्सटेंड करेगी तो यहाँ पे मान लो आपके पास आपका ओव्यूल है, अगर यहाँ पर तो एनाट्रोपस ओव्यूल है तो यहाँ पे एंटर करके आपके पास आ रही है यहाँ पे। सो इट इज़ एंटरिंग एंड कमिंग आउट। अब इस केस में हम देखेंगे तो हमारे पास ये हमारा जर्म सेल है और उसके साथ हम पहले हमारा पोलन ट्यूब सेल और फिर हमारे जर्म सेल्स। क्योंकि जेनेटिव सेल डिवाइड कर जाता है पोलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज अगर हम ये मान के चल रहे हैं, तो ये दोनों मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस और ये आपका पोलन जर्म सेल ये ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहे हैं। सो जर्मिनेशन कैसे हो रही है? पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिशन लेता है स्टिग्मा से, स्वेल करता है और फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। अलॉन्ग द वे कैल्शियम और बोरोन कॉम्प्लेक्स यानी केमिकल्स उसको हेल्प करते हैं उसको ग्रो करने में, और शुगर एंड वाटर सिक्रीशन स्टिग्मा से लेते हुए न्यूट्रिशन वो लेते हुए जब वो ग्रो कर रही है तो रास्ते में स्टाइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करती है और ग्रो करती जाती है और अल्टीमेटली वो रीच कर जाती है आपकी ओवरी तक। मतलब अब इस केस में बीच में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि भी जर्म सेल्स आ रहे हैं, पोलन ट्यूब सेल्स आ रहे हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले जो लेक्चर हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सो दिस इज पेंडिंग फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, entry of pollen tube into ovule, with of course recap from the previous lectures. Thank you. Stay tuned. और अगर आपको हमारे lectures अच्छे लग रहे हैं तो please spread a word so that we can connect with more people. Of course, our aim is to ensure the solidarity कि भी आपको NCERT अच्छे से आए। मैं साथ में ये बता रही हूँ कि ये जो ये वाले parts जैसे हमने लिखे हुए हैं कुछ parts वो आउट ऑफ NCERT हैं, जस्ट टू यू नो इंक्रीज योर कॉन्सेप्ट नॉलेज, बट आई वोंट से कि आप इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, बहुत ज़्यादा लर्न कीजिए और अपने जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। नहीं, हमने अपना बेस NCERT का ही रखना है, लर्निंग में वही रखना है। हाँ, अगर कुछ चीज़ों को हमें पता करके पढ़ के थोड़ी नॉलेज ज़्यादा आ जाती है तो दैट्स फाइन, और वो हमें करना भी है ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके। थैंक यू very much.